जैसा अभी आपने बोला है, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी। पूछिए जब हमारे चिंचोली एमपी आते हैं, चिंचोली एमपी कलबुर्गी की एमपी नहीं है, लास्ट कलबुर्गी एमपी खड़गे साहब थे, उसके बाद चिंचोली एमपी इलेक्ट कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि चिंचोली छोड़ के ही नहीं आए। 10 साल हो गए, महंगाई क्या कम हुई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। उमेश यादव थोड़ा आँख खोल के देखो सच्चाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर आइए, आम आवाम से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई बड़ी है कि घटी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उमेश यादव जी थोड़ा नींद से जागो, बेकुंकर बनने से कुछ फायदा नहीं है। हमारे साउथ एमएलए, एक्स साउथ एमएलए और हमारे नाथ उम्मीदवार को कि अगर आपको अपने कार्यकर्ता से प्रोटेक्शन चाहिए तो एक खत लिख दीजिए, एक सिफारिश दे दीजिए हमको कि प्रियंका ऐसा ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको भाषण करने नहीं दे रहे, हम आपको प्रोटेक्ट, उसमें क्या बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इतनी तकलीफ दी रोड़ी एलिमेंट से, तो चितापुर में जिसके ऊपर 30 केस लगाए हैं उसको क्यों टिकट दिए भैया? This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. पूछिए जब हमारे चिंचोली एमपी आते हैं, चिंचोली एमपी कलबुर्गी की एमपी नहीं है, लास्ट कलबुर्गी एमपी खड़गे साहब थे, उसके बाद चिंचोली एमपी इलेक्ट कर दिया आप लोगों ने, क्योंकि चिंचोली छोड़ के ही नहीं आए। खड़गे साहब के बाद कोई कलबुर्गी एमपी बनेंगे तो वो राधाकृष्ण साहब बनेंगे। मुझे ताजुब होता है जब उनका भाषण सुनता हूं, क्या उनका रिपोर्ट पढ़ता हूं पेपर में, आज का अखबार में देखे, हमारे उमेश यादव साहब ने बोला है, चिंचोली एमपी ने बोला है कि कांग्रेस के गारंटी रील है और उनके गारंटी रियल है। रियल यानी के हम चुप दिखाने के लिए है, सिनेमा के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और उनका गारंटी असलियत में है। मैं उमेश यादव जी को एक उनका एक स्लोगन याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी बहनों को और माताओं को बहुत अच्छी तरह याद होगा। जब वो आए तो ये स्लोगन जरूर दोहराएगा उनके सामने, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। 10 साल हो गए, महंगाई क्या कम हुई कि ज्यादा हो गई? ज्यादा हो गई। उमेश यादव थोड़ा आँख खोल के देखो सच्चाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर आइए, व्हाट्सएप से बाहर आइए, फेसबुक से बाहर आइए, आम आवाम से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई बड़ी है कि घटी है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल का भाव 60 था, अभी कितना हो गया सेठ अजमल सेठ? 100 रुपए, अब की बार 100 के पार। डीजल जब हम थे 55 था, अभी 90। सिलेंडर जिससे आपका घर चलता है, रसोई चलता है, जब हमारे टाइम पे 350 था, आप सब चूल्हा फूला लेके प्रोटेस्ट कर दिए, आप सब लोग बाहर आके चूल्हा लगा के मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए। अभी 900, 1000, 1100, 1200 तक गया है, 1200 तक गए। उमेश यादव जी यही है क्या मोदी जी की गारंटी कि जेब काटेंगे आपका? इसी गारंटी पे तुले हुए आप। 1 लीटर दूध जब हमारी सरकार थी तो 35 रुपीज थी, अभी 55 रुपए है कि नहीं? 55 है, बड़ा अच्छा क्वालिटी ब्रांडेड है तो 60-100 तक जाएगा। आप भूल गए शायद, आप बोले थे कि हमारी किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, रियल है कि रील है? रील है। मनमोहन सिंह साहब ने
72,000 crores farm loan waiver किया। आपने क्या किया? किसानों की हत्या की। ये रियल है, रियल नहीं है। आपने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे सालाना, एक साल में 2 करोड़ कितने होने चाहिए थे अब तक? 20 करोड़ हमको रोजगार मिले। रियल है कि रियल है? रियल है। आर्टिकल 371J आपने उसको दुखा रहा था, आपने उसको रिजेक्ट किया था। धर्म सिंह साहब ने, खड़गे साहब ने, कमरुल इस्लाम साहब ने मेहनत करके जाके हर पार्टी प्रेसिडेंट से मिलके, हर एक एमपी से मिलके संसद में 371J पास किया। ये रियल है। इससे हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन, हमको जॉब्स में रिजर्वेशन, और इस साल हमको केकेआरडी में 5,000 करोड़ मिल रहे हैं उमेश यादव जी। ये रियल है, ये असलियत है। जो आप बोलते हैं ना वो झूठ है। उमेश यादव जी थोड़ा नींद से जागो भाई, कुंकर बनने से कुछ फायदा नहीं है। आपके मोदी साहब आम आदमी को इतना टैक्स लगा रहे, इतना टैक्स लगा रहे, वो टैक्स से ही आम आदमी मर रहा है। क्या उमेश यादव जी को पता है कितना टैक्स लग रहा है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, कस्टम्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टैंप ड्यूटी टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, प्रीरिक्विजिट टैक्स। ये सब किसके टैक्स है? मोदी जी के टैक्स है। किस पर? आप पर। दही लेकर जाओ, दही लेने कर, दही ले लेने के लिए जाओ, दही पर टैक्स है कि नहीं? बच्चों के लिए पेंसिल खरीदने खरीदो तो टैक्स है कि नहीं? जीएसटी। पेंसिल से लेके, दही से लेकर, दाल से टैक्स, तूर पे टैक्स, आपके गाड़ी पे टैक्स, सब पे टैक्स है। सिर्फ आप सांस ले रहे हो वही आपकी किस्मत, वही अभी तक टैक्स नहीं है। अभी तक तो नहीं है, फिर कल क्या करेंगे पता नहीं है। ऑक्सीजन टैक्स भी करेंगे कोविड में लिए, ऑक्सीजन टैक्स कोविड में लिए बोल रहे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जैसे सन प्रकाश साहब बोले, उमेश यादव जी आएंगे तो पूछिए, एक बिल्डिंग नहीं सर, बिल्डिंग बना देंगे, एक ईंट दिखा दो जहाँ पे काम शुरू हुआ है, एक ईंट, ईंट का पत्थर दिखा दो कहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। निम्स कहाँ है? नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, 22,000 एकर्स पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन खड़गे साहब ने सैंक्शन करके लेकर आया था, गायब हो गया, वापस ले गए मोदी जी। उमेश यादव जी कुछ नहीं बोले उसके बारे में। कलबुर्गी डिवीजन सैंक्शन हो गया था, उसके बाद वो भी ले गए, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोले मोदी अपने उमेश यादव जी। जब प्रियांक खड़गे के बारे में बात करना हो, शरद प्रकाश साहब के बारे में बात करना हो, कनीज फातिमा साहब के बारे में बात करना हो, तब तो पूरे मुंह ऐसा खोल देते हैं। डायलॉग पे डायलॉग आता है, पर जब हमारी तकलीफ के बारे में बात करो करके बोले तो तब उनके लब सिल जाते हैं, होठ सिल जाते हैं उनके। मैं पूछना चाहता, कल हमारे आपके XMLA साहब, साउथ के MLA, XMLA और अपने नॉर्थ के जो उम्मीदवार थे, वो बोल रहे थे कि कल लॉ एंड ऑर्डर पूरा कलैप्स हो गया करके, कानून सुव्यवस्था पूरा मिट चुका है, खत्म हो चुका है कलबुर्गी में। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को रात अंधेरे में कलबुर्गी में वॉक करने के लिए कोई तकलीफ है क्या भाई? कोई तकलीफ नहीं, आराम से घूम सकते हैं, कोई किसी को तकलीफ नहीं देने वाला है। प्रॉब्लम क्या हुआ है, ये बीजेपी वाले, बीजेपी के एमएलए और एमपी जो बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका वादा नहीं निभाया ना, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता खुद उनको घेराव कर रहे हैं, खुद उनको घेराव कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं,
हमारे साउथ एमएलए एक साउथ एमएलए और हमारे नॉर्थ उम्मीदवार को कि अगर आपको अपने कार्यकर्ता से प्रोटेक्शन चाहिए तो एक खत लिख दीजिए, एक सिफारिश दे दीजिए हमको कि प्रियंका ऐसा ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हमको भाषण करने नहीं दे रहे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। उसमें क्या बड़ी बात नहीं है, पर वादों से मुकर्रा क्यों, वो भी उसका जवाब दे दीजिए। पहले क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कलबुर्गी सिटी में रउड़ी शीटर्स के घर आईपीएस ऑफिसर जाते थे, जाते थे कि नहीं भाई, फिल्टर पेड एरिया में, क्या भाई फोटो है, आईपीएस ऑफिसर्स फिल्टर पेड के को कुछ महारथी अधिरथी के घर जाके खाना खा के आते थे। अभी क्या हो रहा है, कमिश्नर उन लोगों को हवालात में बंद किए हैं, इसलिए उनको चुप रहा है। मेरा ख्याल से ये सब जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे ना, जो रउडिज्म करते थे, वो सब अंदर हो गए, तो इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बीजेपी रउडी मोर्चा ही चालू कर दो उधर से। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ दी रउडी एलिमेंट से, तो चितापुर में जिसके ऊपर 30 केस लगाए हैं उसको क्यों टिकट दिए भैया? जो खुलेआम बच्चों का आंगनवाड़ी से मिल्क पाउडर लूट रहा था, गरीबों का चावल लूट रहा था, उसको टिकट दिए आप और हमको कानून का पाठ सिखा रहे हैं। तो इसलिए ये जो पाठ, ये नीति पाठ जो हम बोलते हैं, आप खुद रखिए। हमारा चुनाव जो है, हम अपने काम से मतलब कर रहे हैं, काम को लेके हमारा मुद्दा है सिर्फ गारंटी और जो हम आगे करेंगे। अगर आपके पास है तो पब्लिक में आइए, बोलिए आपका कलबुर्गी की आवाम के लिए क्या करेंगे, बोलिए आप कलबुर्गी के जनता के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे। हमेशा देखा तो सिर्फ आपसी झगड़ा में उनको क्या हो गया, उनका 2-3 राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे ना, जो शॉल पहन के हमेशा घूमते थे, वो भी चुप हो गए ना, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वरना तो हमेशा वो शाल पहन के घोषणा मार के हमेशा आते थे ना, अभी वो सब लोग चुप बैठ गए। वो सिक्स गारंटी तो था वो नॉर्थ का, वो सिक्स गारंटी भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मेरा गारंटी नहीं भाई, लॉ एंड ऑर्डर का गारंटी था, वो लॉ एंड ऑर्डर का गारंटी था। हम क्या है, देखिए हम इमोशनल इश्यूज पे चुनाव नहीं लड़ने वाले, हम लाइवलीहुड इश्यूज पे लड़ने वाले हैं, हम आपकी तरक्की के इश्यूज पे लड़ने वाले हैं। जैसा हमने बोला, हमने हमारा हिंदुस्तान में संविधान का राज चलता है और किसी का राज चलने वाला नहीं है। संविधान में अगर आप एक नागरिक हो तो मुझको जितना हक है आपको भी उतना हक है, उसी में हम बिलीव करते हैं, उसी को हम अमल में लाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसी 7th को आप सब लोग एकजुट होकर, जैसे आप आपा के लिए काम कर रहे थे पहले और खमरुल इस्लाम साहब के लिए कर रहे थे, राधा कृष्ण साहब के लिए भी करेंगे करके मुझको पूरी उम्मीद है। जैसे अभी आपने बोला है, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी, कमर साहब के साथ भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हम उस वैल्यूज को हम आगे बढ़ाना है तो राधा कृष्ण साहब को हम जिताने, हमको सब मिलके जिताना ही पड़ेगा। ये तरक्की की 3 गारंटियां है, तरक्की की 3 गारंटियां, 1 राज्यसभा में खड़गे साहब, 2 लोकसभा में राधा कृष्ण साहब, 3 हमारी कनीज फातिमा आपा यहाँ पे नॉर्थ में और कलबुर्गी में हम सब है। ये 3 गारंटी तरक्की की गारंटी है, आप सब लोग मिलके हमको बहुमत से जिताएंगे करके This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.